हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 30 जनवरी 2020 का इंडियन एक्सप्रेस का और फाइनेंस एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। हाउ इंडियाज़ नो फ्लाई लिस्ट वर्क्स। देखो, बात हो रही है फ्लाई लिस्ट की, नो फ्लाई लिस्ट की। क्यों बात हुई? हाल ही में क्या हुआ, स्टैंड अप कॉमेडियन थे कुणाल कामरा नाम के, उन्होंने एक टीवी न्यूज़ एंकर अर्णब गोस्वामी को कथित रूप से, और ऐसा कहा भी गया और ऐसी वीडियो भी सामने आई है कि उन्होंने उनकी वीडियो बनाई और उनको जो है एलिगली परेशान करने की कोशिश की, मतलब ऐसा जो है उन पे आरोप लग रहा है। व्हाट आर दी रूल्स फॉर पुटिंग अ फ्लायर ऑन दी नो फ्लाई लिस्ट। कुणाल कामरा को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। इसके मुताबिक उनको कई एयरलाइंस ने कई समय के लिए उनकी एयरप्लेन में वे उड़ नहीं पाएंगे। तो 2017 में ही नो फ्लाई लिस्ट शुरू हुई थी सरकार के द्वारा उन एयर ट्रेवलर्स और टूरिस्ट को रोकने के लिए जो कि डिसरप्टिव बिहेवियर करते हैं एयरप्लेन में, जो कि फ्लाइंग के टाइम, फ्लाइट के टाइम पे काफ़ी अनरूली बिहेवियर अपनाते हैं। और अगर इसकी शिकायत जो हो, मान लो कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को भी परेशान करता है फ्लाइट पर, तो उसकी शिकायत पायलट इन कमांड के द्वारा फिल की जाती है और फिर जो है इंटरनल कमिटीज़ पे चेकअप करती है, और इंक्वायरी जब तक नहीं हो जाती तब तक उस इंसान पे बैन लगाया जा सकता है। अब कमेटी को ऐसे वो मैटर 30 दिन के अंदर सुलझाना पड़ता है, और ये भी बताना पड़ता है कि बैन ड्यूरेशन कब तक है, कब तक उस व्यक्ति पे बैन लगा रहेगा। तीन तरह की कैटेगरी यहाँ पे आती है अनरूली बिहेवियर की। एक आता है पहला लेवल, जिसमें देखा जाता है कि जो वर्बल जो बिहेवियर है वो देखा जाता है कि वर्बली अगर किसी को परेशान की गई है, गाली गलौच दी गई है, तो 3 महीने के लिए उनको बैन किया जाता है। लेवल 2 होता है कि फिज़िकली अगर किसी से बुरा व्यवहार किया जाता है या किसी से मारपीट की जाती है तो उसको 6 महीने के लिए बैन किया जाता है। लेवल 3 में आता है लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर, किसी की ज़िंदगी को अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है तो मिनिमम 2 साल की सज़ा, 2 साल का बैन यहाँ पर लग सकता है। नो फ्लाई लिस्ट क्यों बनाई गई? देखो, वही कि जो अनरूली बिहेवियर है, जो खतरनाक जो व्यवहार किया जाता है कुछ पैसेंजर्स के द्वारा, उनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तो सिविल एविएशन के कानून है, जो कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा रिलीज हुए थे, इशू किए गए थे, और ये प्रोसेस जो 2017 में शुरू हुआ था जब शिवसेना के कैंपी थे रविंद्र गायकवाद, इन्होंने एयर इंडिया के स्टाफ को उससे बदतमीजी की थी और इन पे कई सारे आरोप लगे थे। तो वहाँ की जो एयरलाइन थी जिस पे ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने इनको बैन कर दिया 2 सप्ताह के लिए। फिर तब जो है सरकार नो फ्लाई लिस्ट जो है लेके आई है कि इसमें उन आदमियों को रखा जाएगा जो काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं या फिर वर्बली अब्यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसने कई सारे एक्शन इसमें बताए हैं कि जैसे ये एक्शन है जिनको अनरूली बिहेवियर कहा जाता है, अगर इन एक्शंस में से आप ये कुछ करते हैं तो आपका अनरूली बिहेवियर माना जाएगा और आप पे बैन लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं, ड्रग्स शराब का सेवन करते हैं या फिर स्मोक करते हैं और उससे गंदा बिहेवियर करते हैं या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पैसेंजर की तरफ या क्रू के मेंबर की तरफ, और इंटेंशनली चला के किसी की जो स्टाफ है जो क्रू मेंबर की ड्यूटी में अगर इंटरफेरेंस करते हैं, फिर ये सब देखते हुए अगर इनमें से आप करते हैं तो पायलटिंग कमांड एक कंप्लेंट सबमिट करता है और फिर जो इंटरनल कमेटी बनाई जाती है, और जब जब इंक्वायरी चल रही है तब तक वो एयरलाइन उस पैसेंजर को ब्लैंक कर देती है। हालांकि 30 दिन तक की मैक्सिमम समय रहता है, 30 दिन के बाद कमेटी को अपना डिसीजन लेना पड़ता है। इसके अलावा बिहेवियर अगर ख़राब रहता है किसी पैसेंजर को, उसको बैन कर दिया जा सकता है, लेकिन होम मिनिस्टर जो हमारा गृह मंत्रालय है वो भी कुछ व्यक्तियों की सूची दे सकता है जिनको नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाता है और उनकी उड़ान को जो है बैन किया जा सकता है, उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। इंटरनल कमेटी का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरनल कमेटी जो चेकिंग करती है कि वो बिहेवियर ख़राब था या नहीं था, तो उसमें जो है एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं जो कि क्रिमिनल जज भी जिनको कहते हैं एज ए चेयरमैन, और फिर जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव्स आता है डिफरेंट शेड्यूल जो एयरलाइन है उससे और पैसेंजर एसोसिएशन से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो एक तो सरकार की तरफ एक तो जज आ गए हमारे, और फिर जो है एयरलाइंस की तरफ से आ गया और एक पैसेंजर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ गया, और इसके बाद जो इंटरनल कमेटी होती है फाइनल डिसीजन देती है 30 दिन के अंदर और लिख के कारण देती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है और इस तरीके से बिहेवियर हुआ था और ये सजा इनको मिलनी चाहिए। 30 दिन के अंदर डिसीजन नहीं आता है
तो फिर जो है उन पैसेंजर्स को उड़ान भरने के लिए हामी दे दी जाती है, वो किसी भी एयरलाइन में उस एयरलाइन में सफ़र कर सकता है। और कमेटी का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है उस एयरलाइन पर, उस एयरलाइन को वो डिसीजन अपनाना पड़ता है। मान लो अगर किसी को गिल्टी ठहरा दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है, तो उसके तो वो पैसेंजर कहीं अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। 60 दिन के अंदर अंदर उसको एपीलेट कमेटी जो कि कंस्टिट्यूट की गई मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन में अपील कर सकता है। और इस कमेटी में ये एपीलेट जो कमेटी होती है, इसमें रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के जो कि चेयरमैन होते हैं, और पैसेंजर एसोसिएशन और कंज्यूमर एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट, जो कि किसी कंपनी के एयरलाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से नीचे की रैंक के नहीं होते, उसके बराबर के होते हैं। ये जो रूल्स होते हैं, हालांकि स्पेसिफाई नहीं करते कि कमेटी का फंक्शन कैसे होगा, कमेटी किस तरीके से काम करेगी, अपेलेट कमेटी किस तरीके से काम करेगी, और ये भी नहीं बताते कि इसमें जो जिस पे आरोप लगाया उसको इसमें उसकी स्टेटमेंट, उसकी जो बयान है वो देने के लिए बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स है ये कहते हैं कि अगर आप अपेलेट कमेटी से भी संतुष्ट नहीं हो, इंटरनल कमेटी से नहीं हो, फिर अपेलेट कमेटी से नहीं हो, तो फिर आप जो है आप अपनी अपील जो है हाई कोर्ट में डाल सकते हो। अब कब को किस किस को नोफ्लाई लिस्ट में डाला गया, देखो पहले जिसको नोफ्लाई लिस्ट में डाला गया वो व्यक्ति थे, एक बिजनेसमैन थे, जेट एयरवेज में वो सफ़र कर रहे थे, उन्होंने टॉयलेट में एक वार्निंग लिख दी कि इस एयरप्लेन में बम है, तो वो वार्निंग जो उन्होंने टॉयलेट में लिखित रूप से चिट्ठी डाल दी वहाँ पे, तो लोग डर गए और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। उनको जो है 5 करोड़ रुपए का फाइन और लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र भर की कैद उनको मिली गई। और नो फ्लाई लिस्ट में तो डाला गया, और साथ में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट स्पेशल कोर्ट जो बनाया गया उसके अंदर उनको 5 करोड़ रुपए की फाइन और लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी गई। और कई सारे चांसेस इसमें आए हैं, कई सारे इंस्टेंसेज यहाँ पे निकल के हैं जिनमें पैसेंजर्स का अनरूली बिहेवियर देखा गया। हालांकि अभी तक किसी भी एयरलाइन या गवर्नमेंट ने ऐसे पैसेंजर्स को नो फ्लाई लिस्ट में नहीं डाला, जो काम रहा है उनको डाल दिया गया है, और कई सारी एयरलाइन ने उनको बैन कर दिया गया है। विस्तारा और एयर एशिया ने भी इस सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए बोला है, हालांकि जो इंडिगो है उसने 6 मंथ का बैन लगा दिया गया है। और हालांकि फाइनल डिसीजन जो आएगा वो एयरलाइन की इंटरनल कमेटी पे आएगा, एयरलाइन की जो इंटरनल कमेटी होती है वो देखेगी कि किस तरीके से काम होता है, और फिर जो है उस पर एयरलाइन पे डिसीजन बाइंडिंग रहेगा। अगर पर्सन को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है डोमेस्टिक एयरलाइंस की, तो इसका संभावना बनती है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकता है, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसके कानून केवल हमारे भारतीय एयरलाइंस पर लागू होते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस पर वो लागू नहीं होते। और थिंग्स तो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब मान लो कि उसको किसी इंटरनेशनल एयरलाइन पकड़ के फिर डोमेस्टिक एयरलाइन पकड़ के जाना हो, तो 2 बारी उसको जाना हो, फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। हाउ डू अदर कंट्रीज मैनेज नो फ्लाई लिस्ट? इंडिया खुशकिस्मती से उन कंट्री में से एक है जो कि स्ट्रेटली बैन कर देता है किसी भी पर्सन को फ्लाइट लेने से अगर इस तरीके का व्यवहार देखा जाता है। तो चाइना, यूएसए में और कनाडा में ये नो फ्लाई लिस्ट बनी हुई है, लेकिन वो टेरर वॉच प्रोग्राम के तहत ओरिएंटेड है, यानी कि अगर कोई भी आतंकवादी जैसी समस्या, आतंकवाद जैसी अगर समस्या खड़ी करता है तो उन व्यक्तियों को बैन करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। और 9/11 जब अटैक हुआ था उससे पहले 20 लोग थे, लेकिन उसके बाद जो हजारों लोगों को यहाँ पे नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। 2016 में यूएस बेस्ड डेल्टा एयरलाइंस थी, उन्होंने एक पैसेंजर को लाइफ के लिए बैन कर दिया, पूरी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल कमेंट्स किए थे उनकी फ्लाइट में और उनकी वीडियो जो है बनाई गई थी। व्हाट्स ट्रंप्स न्यू मिडल ईस्ट प्लान सेज? बात हो रही है ट्रंप की न्यू मिडल ईस्ट की। देखो इसराइल और जो पैलेस्टाइन है उसमें बहुत तगड़ा जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसराइल पैलेस्टाइन को जो है कोई कंट्री मानी नहीं जाती, पैलेस्टाइन जो है कोई कंट्री बहुत कंट्री रिकॉग्नाइज कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होती, सॉवरेन स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसराइल और पैलेस्टाइन का एरिया, ठीक है। अब बात यह है कि ट्रंप ने एक प्लान किया है यहाँ पे, अब देखो जो जेरूसलम है ना ये बेसिकली इसराइल की कैपिटल है, ऐसा यूएसए ने कह दिया। तेल अवीव इसकी कैपिटल दुनिया भर के देशों के द्वारा मानी जाती है, जैसे भारत की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली है, पूरी दुनिया इसको मानती है, अपनी जो एम्बेसीज हैं वो भारत की न्यू दिल्ली जो कैपिटल है उसमें डालती हैं, वो उन पर एस्टेब्लिश करती हैं, वैसे इसराइल की तेल अवीव है। लेकिन जेरूसलम एक होली सिटी है, जेरूसलम एक पवित्र स्थान है इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों के लिए। अब पैलेस्टाइन जो है वो जगह जगह फैला हुआ है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि पैलेस्टाइन जो है वो जगह जगह फैला हुआ है जेरूसलम के आगे बगल में, जो डार्क स्पॉट्स है वेस्ट बैंक का आप देख सकते हैं यहाँ पे पैलेस्टाइन के लोग हैं। अब बात क्या की जा रही है कि इसराइल कहता है जेरूसलम हमारा है, पैलेस्टाइन कहता है जेरूसलम हमारा है। यूएसए समर्थक है इसराइल का, तो उसने जो है इसराइल की तरफ रुख अपनाते हुए जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल माना और अपनी एम्बेसी जेरूसलम में स्थापित कर दी। पहले की बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद से जो है कंट्रोवर्सी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई। अब यूएस लाया पीस प्लान, इस पीस प्लान में ये ऐसे कह रहा है
कि जो टेरिटरी है पैलेस्टाइन को टेरिटरीज मिल दी जाएंगी, हालांकि जेरूशलेम जो है वो इज़राइल का हो जाएगा और पैलेस्टाइन को एक कंट्री मान ली जाएगी, सॉवरेन स्टेट मान लिया जाएगा, बहुत सारा पैसा उनको दिया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा इनके लोगों को, इनको एक नई कैपिटल बना के दी जाएगी। और ये कंडीशंस क्या क्या है एक बार हम पढ़ लेते हैं। हालांकि जो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उन्होंने इनको थ्रूली रिजेक्ट कर दिया, प्रेसिडेंट जो महमूद अब्बास है उन्होंने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कॉन्स्पिरेसी डील कहा है और कहा है कि हम हज़ार बार इसको नहीं 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 बोलेंगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको रियलिस्टिक पार्ट टू अ ड्यूरेबल पीस कहा है, हालांकि पैलेस्टाइन रिजेक्ट कर दिया। उसकी एक वजह है, पहली बात तो ये कि पैलेस्टाइन की जो है पार्टिसिपेशन इसमें नहीं ली गई, जेरूशलेम जो है इसराइल को देने का फैसला किया गया, अगर एग्रीमेंट मानता है पैलेस्टाइन तो जेरूशलेम इसराइल के पास चल जाएगा, पैलेस्टाइन्स को जो है अपनी एक सॉवरेन स्टेट मिल जाएगी, हालांकि खुद की एक आर्मी नहीं होगी और वो इसराइल पे वोलेंट रेसिस्टेंस जो है वो छोड़ देंगे और जो हमजाज हैं जो कि वोलेंट ग्रुप है उसको भी वो डिसबैंडमेंट कर देंगे। तो पैलेस्टाइन को यहाँ पे काफ़ी सारी बातें माननी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जो है उनके फेवर में, कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट में, हालांकि पैलेस्टाइन को ऐसा लगता है कि अगेंस्ट वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, इस वजह से वो इस डील को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है भैया पैलेस्टाइन के सामने, अगर करना चाहते हो तो कर लो वरना छोड़ो, उसके बाद जो आगे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएस के द्वारा कि पैलेस्टाइन जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है और फिर जो है बाद में रोता रहता है। हालांकि पैलेस्टाइन के हिसाब से ये डील जो है उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि पैलेस्टाइन के मुताबिक जो है उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक बार वो इस चीज़ पर अकड़ गए तो फिर जो है उनको बाद में उसी सिचुएशन पर धकेल दिया जाएगा। हालांकि पैलेस्टाइन को जो है कुछ ज़मीन देने की बात की गई है, उनकी कैपिटल को अल कदनाम भी देने का फैसला किया है, उनको कैपिटल भी दी जाएगी, हालांकि जेरूशलेम इसराइल के पास चल जाएगा, ये पैलेस्टाइन को अनएक्सेप्टेबल है और पैलेस्टाइन को ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो उन मतलब पूरी तरीके से जो अपना हक है जेरूशलेम पे छोड़ दें। और अब देखो हुआ क्या था, इसराइल ने जेरूशलेम का कब्जा कर लिया था 1967 के वॉर में, जब से इसराइल के कब्जे में, जब से पैलेस्टाइन कहता है कि भैया ये जेरूशलेम हमारा है, कब्जा कर लिया गया है इसराइल के द्वारा, जेरूशलेम को भी कैपिटल बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि जो पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि जेरूशलेम बिकाऊ नहीं है, ऐसे जेरूशलेम को आप सेल नहीं कर सकते, हमसे छीन नहीं सकते, हमको लालच दे के, लालच क्या दिया जा रहा है इनको, कहा जा रहा है पैलेस्टाइन वालों को कि इकोनॉमिक पैकेज दिया जाएगा, कि भैया मतलब उनको $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा 10 साल के अंदर, नौकरियां दी जाएंगी, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया जाएगा, एजुकेशन इंप्रूव की जाएगी, हेल्थ केयर इंप्रूव की जाएगी, ओवरऑल पैलेस्टाइन की जो जिंदगी है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, 1 मिलियन न्यू जॉब्स ली जाएंगी 10 साल के लिए, पैलेस्टाइन की इकोनॉमी को डबल किया जाएगा, ऐसा व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल कह रहे थे कि हम उनकी पॉवर्टी को आधी कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को 10% से नीचे ले जाएंगे और मनी जो है बहुत सा मतलब इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से आएगा, इंटरनेशनल डोनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा आएंगे। हालांकि इकोनॉमिक पैकेज जो दिया जा रहा है उससे पैलेस्टाइन खुश नहीं है, उसको अपनी टेरिटरी नहीं खोनी, उसको लग रहा है कि हम सॉवरेन स्टेट तो मान लिया जाएगा लेकिन फिर भी हम पे जो है अनएक्सेप्टेबल डील ये दी जा रही है। बात करें स्टार कैंपेनिंग की, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं उनको रिमूव कर दिया स्टार कैंपेन की लिस्ट से, इन्होंने कुछ विवादित बयान दिए थे। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट क्या होती है, एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं और एक अनरिकॉग्नाइज्ड बट रजिस्टर्ड, ये बात ध्यान रखना, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं बट जो अनरिकॉग्नाइज्ड है लेकिन रजिस्टर्ड है उसके पास 20 हो सकते हैं, ठीक है, उसके पास केवल 20 हो सकते हैं। अब ये जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ये बताया जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन को एक सप्ताह पहले, इलेक्शन के नोटिफिकेशन के एक सप्ताह पहले, कि भैया ये अपने स्टार कैंपेनर है, ये हमारे जो है पार्टी के प्रचार करेंगे। और फिर स्टार कैंपेनर्स का क्या होता है, बेसिकली इनको जो कैंडिडेट है उसका इलेक्शन एक्सपेंडिचर से एग्जेम्प्ट किया जाता है, पार्टी के खर्चे में जोड़ा जाता है। मान लो किसी एक्टर को कोई पार्टी बुलाती है और किसी सीट से उनको प्रमोट करवाती है, जैसे मान लो किसी सीट पर किसी पार्टी का आदमी खड़ा है और वो किसी भी एक्टर को प्रमोट करने के लिए बुलाता है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, रैली करवाने के लिए बुलाता है। अब अगर वो जो व्यक्ति जो स्टार है वो अगर स्टार कैंपेनर की लिस्ट में है तो उनका जो खर्चा होगा सारी कैंपेनिंग का वो खर्चा पार्टी की खर्चे में जोड़ा जाएगा। और फिर जो कैंडिडेट के लिए जिसका वो प्रचार कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट का, जिस भी सीट के किसी भी कैंडिडेट का वो जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं उसके खर्चे में जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है।
तो कैंडिडेट का इलेक्शन एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ा जाएगा। अब कैंडिडेट का इलेक्शन एक्सपेंडिचर जैसे दिल्ली में 28 लाख तक सीमित है कि मैं अगर चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ किसी भी सीट से तो मैं 28 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर स्टार कैंपेनर को बुला रहा हूँ तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम, उसकी ट्रैवलिंग का इंतजाम, सब कुछ इंतजाम मुझे करना पड़ेगा और हो सकता है खर्चा ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वो खर्चा जो है मेरे हिस्से में नहीं आएगा क्योंकि वो स्टार कैंपेनर है और स्टार कैंपेनर का जितना भी खर्चा होता है वो पार्टी के एक्सपेंडिचर लिस्ट में जाता है। अब अगर किसी भी, अब हुआ क्या, जो ये जो जिन्होंने बीजेपी के कुछ लोगों ने विवादित बयान दिया था जो कि स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल थे, उनको स्टार कैंपेनर की लिस्ट में से हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने बयान ऐसे दिए थे। तो इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है, अब देखो स्टार कैंपेनर लिस्ट में अगर वो हट गए तो अब वो किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर रैली करने जाते हैं तो वो जो खर्चा है वो कैंडिडेट की खुद की पर्सनल एक्सपेंडिचर लिस्ट में जुड़ जाएगा और 28,000 से ऊपर जाने के बाद एक्सपेंडिचर लिमिट जो है ब्रीच हो जाएगी और उनको जो है फिर यहाँ पे दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि वो इनको बुलाए और कैंपेनिंग करवाए क्योंकि उनका 28,000 का जो लिमिट है वो आंकड़ा पार कर जाएगा और 28,000 वाली लिमिट टूट जाएगी। तो स्टार कैंपेनर लिस्ट में रहने का मतलब है कि सारा खर्चा पार्टी उठाएगी और जो इस कैंडिडेट के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं उस कैंडिडेट में वो खर्चा नहीं जुड़ेगा, तो जो कैंडिडेट है वो खुशी खुशी बुलाएगा, खुशी खुशी प्रमोट करवाएगा। अब बात यह कि मान लो कोई स्टार कैंपेनर है वो, दोस्तों मुझे माफ़ करना, मैंने जो बात बोली है बेसिकली उसमें कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं। पहला तो ये कि जब तक स्टार कैंपेनर के लिस्ट में खर्चा माना जाएगा, जब तक पार्टी का खर्चा माना जाएगा, जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा है। कोई भी अगर हीरो या हीरोइन को अगर बुलाया जाता है कैंपेनिंग के लिए और जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं तब तक वो खर्चा पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में डाला जाएगा, किसी भी कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा। अब ये बात होती है कि पार्टी के लिए ही आप कैंपेन कर सकते हो, तब तो आप स्टार कैंपेनर लिस्ट में आ रहे हो। मान लो अगर कोई हीरो है, कोई एक्टर है या फिर कोई स्टार कैंपेनर है, वो किसी भी कैंडिडेट पे जो कि किसी सीट पे खड़ा हो रहा है उसका समर्थन कर देता है खुला, पार्टी को नहीं किसी कैंडिडेट को स्पेसिफिकली, तो वो खर्चा कैंडिडेट की लिस्ट में जुड़ जाएगा। या अगर उसका नाम भी ले लेता है तो भी उस कैंडिडेट के खर्चे में जुड़ जाएगा, या फिर उसका अगर फोटोग्राफ भी दिख जाती है ना रैली में तो भी उस कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर लिस्ट में जुड़ जाएगा और एक्सपेंडिचर लिस्ट में जुड़ने के बाद 28 लाख की जो लिमिट है ब्रीच हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फिर उस कैंडिडेट को फेस करनी पड़ेगी। तो इसका अब अगर स्टार कैंपेनर की लिस्ट में से वो हट गए तो यहाँ पे कोई भी उनको नहीं बुलाना चाहेगा, उनके लिए कैंपेनिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि अब वो जो भी करेंगे वो सारा पैसा, वो सारा खर्चा जो है जिस भी कंस्टिट्यूशनसी में वो जाएंगे, जो भी पैसा खर्च होएगा उनका, वो जनरल, अब वो चाहे जनरल पार्टी के लिए बोले नहीं बोले, मतलब अब तक ये क्या था स्टार कैंपेनर की लिस्ट में, ये था कि भैया मान लो जैसे बीजेपी है, बीजेपी के लिए कोई स्टार कैंपेनर है और वो उसके लिए चुनाव कर रहा है, वो उसके लिए प्रचार कर रहा है, सॉरी कैंपेन कर रहा है, और स्टार कैंपेनर की लिस्ट में से अगर वो हटा दिया जाता है तो जब तक वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था, स्टार कैंपेनर की लिस्ट में रहते हो तब तक तो खर्चा पार्टी की लिस्ट में जा रहा था और पार्टी की मनमर्जी जितना खर्चा कर सकती है, लेकिन स्टार कैंपेनर लिस्ट में हटने के बाद वो चाहे पार्टी के लिए कैंपेन करे चाहे वो किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन करे, वो खर्चा कैंडिडेट की लिस्ट में जोड़ा जाएगा और 28 लाख की जो ब्रीच की लिमिट है वो टूट भी सकती है। तो इस वजह से स्टार कैंपेनर की लिस्ट में होने का ये फ़ायदा है और नहीं होने का ये नुकसान है। गाइज मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए दूसरा न्यूज़पेपर की दूसरे आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इज दिस कोरोना वायरस रिस्कियर देन सार्स? देखो कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, चाइना के वुहान प्रोविंस में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वुहान जो है देश दुनिया के कम 70-80 शहरों से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एयरलाइन जाती है, तो पूरी दुनिया में फैलने के चांसेस हैं। हालांकि खुशी की बात है कि भारत में जो है काफ़ी सर्विलेंस मजबूत था हमारा, US, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके जो है दिखने लगे हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को अफेक्ट करने की कोशिश की है, मतलब जो कोरोना वायरस है वो फैल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, जो कमेटी थी उसने इसको जो अलर्ट था कोरोना वायरस का चाइना के लिए वेरी हाई कर दिया और हाई कर दिया पूरी दुनिया के लिए, ये स्टेटस उसको दे दिया कोरोना वायरस को। हालांकि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अभी भी घोषित नहीं की गई है और सारे जो है इसने सिग्नल ऐसे दे दिए कोरोना वायरस ने कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए, हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भी नहीं की क्योंकि कमेटी जो है जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी बीमारी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है कि नहीं है,
वो डिपेंड करता है कमेटी क्या क्या डिसीजन आता है। तो कमेटी बटी हुई है अपने आप में, वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो बटे हुए हैं, कोई कह रहा है मत करो, कोई कह रहा है कर दो। हालांकि कमेटी ने वापस रिवीजन लेने का फैसला किया और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल चुका है। अब देखो बात यह है कि कोरोना वायरस और एक सार्स वायरस होता है, देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फैला था 2003 में, अब कोरोना वायरस फैला है और दोनों वायरस सेम फैमिली से हैं, लार्जली आइडेंटिकल सिम्टम्स दोनों के सेम हैं, मतलब जो सिम्टम्स हैं वो दोनों के सेम हैं, फैमिली सेम है। हालांकि कोरोना वायरस पुराना है लेकिन नया रूप लेके आया है, पहले जो सार्स वायरस निकल गया 2003 में जिसने 700 जिंदगियां छीन ली, फिर ये कोरोना वायरस निकल गया जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आज अगर आप देखें 2003 की बात अलग और आज की बात अलग है, आज इंडिया जैसी कंट्रीज बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है और बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हुए बचाव करने की कोशिश करती है। हालांकि जिस तरीके से प्रिपेयरनेस हो रही है खुशी की बात है, लेकिन जिस तरीके से चेंजेस निकल के आ रहे हैं चिंताएं अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, क्योंकि सार्स वायरस भी चाइना से ही आया था। लेकिन यहाँ आप कह सकते हो कि सार्स वायरस भी चाइना से आया था, कोरोना वायरस भी चाइना से आ रहा है, तो चाइना एक जो है बहुत गलत तरीके से काम कर रहा है हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि उसके जो एनिमल मार्केट है उसमें ह्यूमंस का काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन पहले जैसा चाइना नहीं रहा, चाइना 2020 का 2003 जैसा नहीं रहा जब सार्स फैला था। 2003 में इसकी GDP 1.6 ट्रिलियन थी, आज 14.3 ट्रिलियन है। पर कैपिटा इनकम इसकी $1300 थी, आज $10,000 है। चाइना बहुत बड़ा है, चाइना बहुत लार्जर रिचर बन गया, तो चाइना जो अगर आराम से टैकल कर सकता है। हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसके लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं और लोग इस कंट्री में आते हैं, चाइना से लोग एशिया में जाते हैं और फिर यूरोप और यूएसए में सब जाते रहते हैं, इंडिया के लोग भी जो है चाइना में जाते हैं और ये चाइना के लोग भी इंडिया आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और चाइना जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बीमारी जो है आराम से फैल सकती है और किसी भी डिसीज के लिए पीपल टू पीमेंट मूवमेंट जो है काफ़ी मेजर फैक्टर होता है। चाइना की जो प्रेजेंस है ग्लोबल टूरिज्म इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है और एक बार अगर बीमारियाँ फैलने लग गई तो एयरलाइन पे चेकिंग बहुत हार्ड हो जाएगी और टूरिज्म पे जो है खतरा आ जाएगा। और साफ साफ दिख रहा है कि आज जो है ये काफ़ी जो सार्स जो वायरस आया था 2003 में कोरोना वायरस उससे ज़्यादा सीरियस है और सीवियर है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पीपल भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, भारत के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि केवल फ्लाइट्स को चेक करना सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पहले ही किसी देश में जा चुके हैं जो चेक नहीं हुआ था और ट्रैवल करते रहते हैं, तो क्योंकि देश से देश नहीं कॉन्टिनेंट्स में भी जाते रहते हैं, तो इससे टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री को दिक्कत पहुंचती है, एयरलाइन जो इंडिया से चाइना जाती है उनको दिक्कत पहुंचेगी और फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को दिक्कत होगी। हालांकि इंश्योरेंस वालों को काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट इकोनॉमीज है जैसे कि पार्टिकुलरली चाइनीज टेररिस्ट हैं, तो ये जो रीजन जो टूरिज्म पे डिपेंड होता है उन पे काफ़ी दिक्कतें आएंगी। नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि यहाँ पे ये फ्लाइट पे चेकिंग कर सकें। चाइना ने वैसे बहुत तेज़ी से काम किया है लोगों को रोकने का, 20 मिलियन लोगों को यहाँ पे इसने वुहान सिटी में रोक कर रखा है, कहीं अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। लार्जर ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्योंकि इसका होगा, चाइना की ग्रोथ 6% चल रही थी और लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी था ये। हालांकि अगर इस तरीके से लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, टूरिज्म रुक जाएगा, तो चाइना की जो ग्रोथ उसमें डिसलरेट आ सकती है, चाइना की जीडीपी ग्रोथ रुक सकती है। हालांकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तो रुकी है ही, चाइना मेजर फास्टर ग्रोथ ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है और चाइना की इकोनॉमी भी गिरने के चांसेस हैं। हालांकि ये जो इफेक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे इस डिसीज़ का सही नहीं होगा, देखते हैं किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से जो है यहाँ पे किया जाता है, टैकल किया जाता है। कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया, क्योंकि ये राजा के मुकुट जैसा दिखता है ऊपर से देखने पे, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। कोरोना वायरस बहुत पुराना है, कोरोना वायरस नया नहीं है, लेकिन नया वाला जो कोरोना वायरस निकल के इसको नोवल कोरोना वायरस बोल रहे हैं और इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। इजरायली जर्नलिस्ट तो यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल वीपन हो सकता है, तो डर का भी माहौल यहाँ पे है। हालांकि देखते हैं WHO किस तरीके से काम करता है और दुनिया किस तरीके से देश जो है कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, सारी देशों की निगाहें चाइना पे। बात हो रही है इस आर्टिकल में डिमांड की, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि करंट जो स्लोडाउन चल रहा है उसको रोकने का एक ही इलाज है डिमांड। सप्लाई साइड के सारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं, डिमांड अगर बढ़ा दी जाए किसी ना किसी तरीके से पार्टिकुलरली रूरल एरिया की, तो यहाँ पे सब कुछ सही हो सकता है। इस आर्टिकल में राइटर ने बताया कि कहाँ कहाँ डिमांड बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले तो रूरल इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि एक तो क्रॉप प्राइसेस गिर रहे हैं, रेनफॉल जो है पता ही नहीं चल रहा आ रही है नहीं आ रही, मानसून चेंजेस आ रहे हैं, वेजेस रुके हुए हैं,
मनरेगा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखो मनरेगा में दिक्कत ये आ रही है कि वेज डिले हो रहा है, अनस्किल्ड वर्क है, मनरेगा में लोकल प्रायोरिटी नहीं दी जाती, मनरेगा में लोगों को पेमेंट पूरा नहीं मिल रहा। आपको पता है मनरेगा में साल भर में 100 दिन की गारंटी बेरोजगार लोगों को मिलती है कि रोजगार आपको मिलेगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, और मनरेगा में तो फंडिंग की भी दिक्कत आ रही है, और जितना एक्सपेक्ट की गया था उतना मनरेगा में एक्सपेक्ट नहीं हो रहा। हालांकि मनरेगा हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हम देश की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं और अपनी पटरी पे ला सकते हैं, क्योंकि इसके डायरेक्टली कनेक्टेड रूरल वर्कर्स हैं जिनके हाथ में अगर हम पैसा थमा दें, किसी ना किसी तरीके से फार्म इनकम बढ़ा दें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लाएँ और मनरेगा पर फोकस करें, तो रूरल हाउस होल्ड में पैसा जाएगा और फिर गाड़ियाँ खरीदेंगे, बिस्किट खरीदेंगे, कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे, दवा दारू पर खर्च करेंगे पैसा, तो इस इकोनॉमी जो है ठीक हो जाएगी। पर्सनल टैक्सेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे उम्मीद है कि पर्सनल जो इनकम टैक्स है उनमें छूट मिलेगी। हालांकि पर्सनल जो इनकम टैक्स पे करने वाले वो जो है केवल देश में 2% लोग ही हैं। हालांकि फिर भी अगर चेंज कर दिया, कम कर दिया जाएगा, अगर इंटरेस्ट डिडक्शन कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स में कटौती की जाएगी और रियल इस्टेट में भी अगर टैक्स छूट दी जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस की बात करें तो बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो स्टार्टअप्स खुलें, रोजगार मिले। हालांकि आशा है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और हाल ही में एक टास्क फोर्स स्थापित की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक फ्रेमवर्क है किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में 102 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाए आने वाले कुछ सालों में, ताकि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बन जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम पैसा लगाएंगे, खास करके रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो इससे काफ़ी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपका सीमेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है और स्टील इंडस्ट्री, कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रियल इस्टेट सेक्टर भी आपस में कनेक्टेड है, तो अगर रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को किसी न तरीके से अगर काम पर लगा दिया जाए वापस, तो सब कुछ सही हो सकता है। गवर्नमेंट को यहाँ पर जो पैसे देने बकाया हैं, वो बकाया गवर्नमेंट को यहाँ पे चुकाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रियल इस्टेट में अभी फंडिंग नहीं आ रही, क्योंकि बैंकों का क्राइसिस चल रहा है, एनबीएफसी क्राइसिस चल रहा है, तो एनबीएफसी कैश क्रैश क्रंच फेस कर रही है यहाँ पे। और इस ये अगर पैसा डेवलपर के पास नहीं जाएगा तो वो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, घरों को बेचेंगे कैसे, काम पूरा कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फंडिंग जो है कहीं ना कहीं से इनको प्रोवाइड करानी चाहिए। मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सेक्टर काफ़ी माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है भारत के लिए, क्योंकि इसमें जॉब क्रिएशन काफ़ी अच्छी होती है और इनको अगर हायर बजटरी एलोकेशन दिया जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जीडीपी का 9% एमएसएमई सेक्टर से आता है, 48% एक्सपोर्ट हमारे यहीं से आते हैं। तो अगर इनको हम लो कॉस्ट पर क्रेडिट दे दें, ई जॉब डूइंग बढ़ा दें, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर दें, तो सब कुछ सही हो सकता है। अच्छा देखो कैसे क्या करना है मैं आपको बता दूं, मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं कि मेंस में जब भी आंसर लिखें अगर बात आ जाए डिमांड की, किस तरीके से डिमांड रिवाइव कर सकते हैं, तो आप पॉइंट्स बना के इन सेक्टर्स को लिख दो भाई, एमएसएमई सेक्टर और ये क्या, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, पर्सनल टैक्सेशन, ये पॉइंट बना के इनमें छोटे छोटे इनमें डायग्राम बना सकते हो आप छोटे छोटे। जैसे एनबीएफसी में आप डायग्राम बना दो कि हम जो है हाउसिंग डिमांड बढ़ा सकते हैं, ऑटोमोबाइल बढ़ा सकते हैं, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ा सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर में लिख दो कि हम टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट क्रेडिट करवा सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, तो डायग्राम बना के भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट के जो बकाया पैसा है कंस्ट्रक्शन पावर सेक्टर में, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट वो बकाया चुका सकती है, बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन कर सकती है, एनबीएफसी का रिकैपिटलाइजेशन कर सकती है, जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन कर सकती है, जीएसटी रेट्स में रैशनलाइजेशन कर सकती है, इस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और मार्केट्स को भी बूस्ट मिलेगा, टैक्स में भी छूट दे सकती है। तो इस बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा आशाएं हैं, तो गवर्नमेंट को हमारी आशाएं को ध्यान में रखते हुए सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे और एक बैलेंस बनाना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल के बीच में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी जो है बढ़ते जाएंगे और ट्रेड वार भी हमारा बढ़ता जा रहा है। यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अब की बार वो चुनाव जीत गए तो ईयू के साथ वो ट्रेड डील करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ट्रेड वार तो होएगा ही, तो हमारा जो ट्रेड यूएसए का ट्रेड वार जो चल रहा था चाइना के साथ, अब वो ईयू के साथ होगा, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस निकल के आ रहा है वो चलता ही रहेगा, तो इसलिए हमको आशा पॉजिटिव कमी रखनी चाहिए दुनिया भर से, हमको खुद पर एक बार ध्यान देना चाहिए और खुद को जो है इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए, इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।